प्रिय साथियों, रत्ननगर विरासन संरक्षण की श्रृंखला में आज मैं रूबरू कराने जा रहा हूं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो साफा किंग के नाम से जानी जाती है, श्री मुरारीलाल जी लठानिया। आप रत्ननगर निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में आप भुवनेश्वर में निवास करते हैं। वहां आपके प्रतिष्ठान हैं और आपके पूरा परिवार ही, आपके सभी भाई उड़ीसा के अंदर सेटल्ड है अलग अलग जगह। तो मैं रत्नगर के नागरिकों से आपका परिचय करवाना चाहता हूं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। मैं सबसे पहले सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने मुझे अवसर दिया और जो ये काम कर रहे हैं ऐतिहासिक, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मैं स्वर्गीय श्रीलाल जी लगानिया का दो नंबर लड़का हूँ। ठीक है। हम छह भाई हैं, बनवारी, मुरारी, गिरधारी, बिहारी, गुलजारी और त्रिपुरारी। ठीक है। हमारे अलग अलग प्रतिष्ठान हैं। लड़हानिया ब्रदर्स से हमारी स्टार्टिंग है। ठीक है। उसके बाद में कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, बालेश्वर और गोपालपुर में हमारी ब्रांचेज हैं। ठीक है। ठीक है। हम लोगों ने जॉइंट फैमिली के बहुत आनंद उठाए हैं। यानी पिताजी की 1968 में डेथ हो गई थी, उसके बाद से लेके अभी तक लोग महसूस ये करते हैं ये जॉइंट में है या अलग है। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में कोई भी छोटे से छोटा यदि काम पड़ता है तो हम छह भाई फैमिली एक साथ तैयार रहते हैं। ठीक है। हमारे 24 बच्चे हैं, 11 लड़के, 11 लड़के। हमारे घर की एक परंपरा रही है कि बहू लाए हैं ढपली बजा के। ठीक है। और बेटी विदा किए हैं ढपली बजा के। ठीक है। समझे साहब। दूसरा, हमारे घर में क्या है कि ये साफे का चलन है। आज तक किसी भी शादी में हमने नंगे सर शादी नहीं की, सब भाई साफे पहनते हैं। और ये जहाँ तक साफे का सवाल है, मैं उड़ीसा में शायद कोई मिनिस्टर होगा जिसको मैंने पगड़ी नहीं पहनाई हो। ठीक है। इसके अलावा मैं अभी एट प्रेजेंट उड़ीसा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी, उनको मैंने अभी साफा बांधा है उनको। प्लस इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब, उनको, चंद्रबाबू नायडू को, ज्ञान के पटनायक को, सबको मैंने, इवन कलकत्ता में जबकि सेंट्रल स्टेट राष्ट्रपति शासन था तो वहाँ के जो हाई कोर्ट के जज थे वो, उनको मैंने पगड़ी पहनाई कलकत्ता में। ठीक है। इसके अलावा भी मैं सोशल एक्टिविटीज में बहुत ध्यान, मेरी शुरू से ही रुचि रही है। शुरुआत में 1960 में जब कुंभ राम जी आर्य चीफ मिनिस्टर थे तब मैंने 3 दिन तक रत्ननगर में, वो उनके साथ में रामचंद्र जी भी थे, वो भी थे, कई मिनिस्टर थे, बहुत मेहनत की और उसका मुझे प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है। अच्छा। उसके अलावा भी मैं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। कई मैं वाइस प्रेसिडेंट तक रहा हूँ, राउरकेला में अमर भवन उसमें रहा हूँ और खांडलवीपर सभा कलकत्ता का मैं ट्रस्टी मेंबर हूँ। ठीक है। इसलिए सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मेरा ये है, मेरी वैसे रुचि प्राय सामाजिक की तरफ झुकान ज्यादा है। पूछिए आप क्या पूछना। आपको साफा बांधने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ से आपने सीखा? मेरा स्वर्गीय मान सिंह जी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। अच्छा। मैं उनके घर में लड़के की तरह रहा हूँ तो उनको देख देख के मुझे रुचि हुई और मैं साफा बांधता था। मान सिंह जी बाबा साहब मेरे पे बिगड़ते थे क्योंकि मैं मेरे साफे खराब कर रहा है, हम राजपूतों ने छोड़ दिया तो काय नहीं पकड़ रहा है। तो मैं जब स्कूल से वो आते थे तो मैं घर में बांध के खड़ा हो जाता था। तो बोलते ये पेच ऐसे थोड़ी आता है। तो बाबा साहब कैसे आता है बताए, तो वो मेरे को बताते थे। जब मैंने अपने सर पे बांधना शुरू कर दिया, बांध लिया, बोले ये तो ठीक हो गया। फिर एक दिन बोले बोले अपने सर पे तो कोई बांध ले, दूसरे के बांधो तो समझ में आए। ठीक है। तो मैं देखा वाकई बड़ा कड़ा काम है, बड़ी मुश्किल है। तो मैं वहीं पे बड़ी प्रैक्टिस कर करके मैंने ये चालू किया और भगवान की प्रेरणा से मैं 2.5 से 3 मिनट में साफा बांध देता हूँ। ठीक है।
आपके परिवार में दत्तूराम जी लढ़ानिया भी एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, और बताते हैं कि बीकानेर में जब कोई राजदरबार, एक राजदरबार लगा था, तो उसमें भी कोई ऐतिहासिक घटना हुई है, उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताता हूँ। दत्तूराम जी वैसे तो मुनीम जी के नाम से फेमस हैं, गाड़ोदिया परिवार के मुनीम थे। अच्छा। और रत्नगर में एकदम पांच पंचों का नाम आता था, तो दत्तूराम जी का नाम आता था। ठीक है। एक बार गंगा सिंह जी के यहाँ प्राय गांव के सभी प्रतिष्ठित आदमी गए थे, तो वो भी गए थे, तो सभी ने, कोई ने मोहर दी, कोई ने कुछ दिया, चांदी के रूपये दिए, भेंट स्वरूप। मेरे दादाजी ने वो जनेऊ का यज्ञोपवीत पैतृक को पहनाया। हाँ। और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उठ करके मेरे दादाजी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। हाँ। और बोले इससे मुकाबले कोई सम्मान नहीं हो सकता। अच्छा। सब फीके हैं इससे। और आप राजस्थानी लोक संस्कृति के भी शौकीन हैं, और सुना है आपके आपका लोकगीतों का भी एक बहुत अथाह भंडार है आपके पास। मैं राजस्थानी से, मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ पे नॉन हिंदी भाषी इलाका है। हाँ। पर मेरा राजस्थानी से लगाव रहा हमेशा से। मैं होली में खास तौर से 15 दिन हम सब भाई लोग संग बजाते हैं। ठीक है। और मैं कलकत्ता ताजा टीवी और उड़ीसा के ओ टीवी में 2 बार प्रोग्राम दे चुका। ठीक है। और हम सामूहिक ढंग से प्रोग्राम देते हैं, और मारवाड़ी का भाषा को उड़ीसा में उजागर कर रहे हैं। अभी भी मैं, मेरा बहुत लगाव है, मैं मारवाड़ी गीत बहुत गाता हूँ। यानी प्राय आज भी मैं शादी विवाह के गीत भी प्राय औरतों को याद नहीं हो, मैं सब गा सकता हूँ। ठीक है। तो हमारे रत्नगर वासियों के लिए कोई पुराने लोकगीत की कोई एक लाइन कोई सुना के जरा बताएं। मैं हाल ही में राउरकेला में था। हाँ। तो एक सज्जन बॉम्बे से आए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा मुझे मेहमत सुनाइए आप। मेहमत। मैं बोले यार आप कहाँ मेहमत का बात करते हैं, आजकल तो कोई बनड़ी होती है, मेहमत कहते हैं बनड़ी को। अच्छा। तो फिर उनकी इच्छा मैंने पूरी की। उसकी लाइन है, हर बनी मोथ में मद पेरोए, हर बनी कानम कुंडल पेरोए, रखड़ी पर राई भरे जोई जो नादान गजर वाली, ए रखड़ी पर राई भरे जोई जो नादान गजर वाली, अरबनी चालो तो बागा मेले चालाए, अरबनी चालो तो बागा मेले चालाए, बागा में हिंडो घाल नादान गजर वाली, अरमारी राज कंवर भाई हिंडे, अरमारी सरदार सुहागण भाई हिंडे, आली जो झोटा दे नादान गजर वाली। ये वाह बहुत सुंदर। वैसे मुझे फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ हाँ। मैं 1958 का फोटोग्राफर हूँ। अच्छा। उस जमाने में मेरे पास में यशी का बी कैमरा था, 12 फोटो आती थी, और गांव में शायद ही कोई फंक्शन होता होगा जिसमें मैंने फोटोग्राफी नहीं की हो। नहीं की हो। और खास तौर से जब करणी सिंह जी आए थे, तो मेरा भतीजा मेरे पास में रहता था उड़ीसा में। हाँ। वो 5 साल का था, तो मैंने उसको एक मिलिट्री ड्रेस पहना के मैं लाया, तो जब करणी सिंह जी आए तो स्टेज के कोने पे वो मिलिट्री ड्रेस पहन के खड़ा था। अच्छा। उसने करणी सिंह जी को माला पहनाई, तो करणी सिंह जी ने जो जो प्रश्न पूछे उसे सबका उत्तर दिया। लास्ट में उसके कुछ बैच टंगे हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा ये बैच कौन सी लड़ाई में जीत के लाए। अच्छा। तो उन्होंने, उस बच्चे ने कहा, बोले ये बात चाचा जी ने नहीं बताई, और बाकी सब उत्तर दिए। वो फोटोग्राफ मेरे पास है, मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप उसको अवलोकन करिए। बिल्कुल। बहुत सुंदर है। पर वैसे मेरा सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा ध्यान रहे, खेलने भी मैं प्राय सभी खेल खेलता हूँ। अभी तक मैं, आज के दिन 81 साल की एज है मेरी, पर टूर बहुत करता हूँ। मेरा 1 साल का रिकॉर्ड है ट्रेवलिंग का, 108,332 किलोमीटर का मैं टिकटों से प्रूव कर सकता हूँ, यात्रा हो चुकी है। इसके अलावा मेरा रत्नगर से बहुत ज्यादा लगाव है। मैं
प्राय रत्नगर आता हूँ तो मैं प्राय मिलता रहता हूँ सभी से, और बहुत ही ज्यादा लगाव के साथ में। पिताजी के नाम से एक शमशान घाट में मंदिर बना हुआ है, वो सार्वजनिक है पर पूजा हम करवाते हैं उसकी सब भाई मिलके। ठीक है, तो भूतनाथ के नाम से वो मंदिर है, इसलिए लगाव ज्यादा है। और मैं रत्नगर वासियों से बोलता हूँ कि अपना जैसा गांव नहीं होना, अपनी जैसी विरासत नहीं होनी। और खास तौर से सोनी जी जैसे लिख रहे हैं, बहुत खुशी है विरासत में लिख रहे हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्राय सभी आदमी इस बात की मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारे गांव की जैसी बनावट नहीं। इसके लिए मैं गांव वासियों को, रत्नगर वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मैं अभी कोरोना में ग्रसित हो गया था, अच्छा, तो हॉस्पिटल में मैंने चंद लाइन लिखी थी, उसका मैं आपको वर्णन देना चाहूंगा। जरूर, जरूर। मैंने मेरे सिवाय घुटनों की और कोई तकलीफ नहीं है, तो मैंने चंद लाइन लिखी थी, उम्र और बुढ़ापा। अच्छा। बोले उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है, कुदरत के दिन बढ़ेगा, उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है, महसूस न करो तो बढ़ती कहां है। सही है। महसूस न करो बढ़ती कहां है, उम्र को हराना है तो शोक जिंदा रखिए। सही है। उम्र को हराना है तो शोक जिंदा रखिए, और घुटने चले ना चले, घुटने चले ना चले, मन को उड़ता परिंदा रखिए। अरे मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें से हंस के बाहर आ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी का नाम जिंदगी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मुझे कपड़ों का ही बहुत ज्यादा शौक है। मैं आज के दिन भी जैसे दूल्हा शादी में सजता है, वैसे मैं राजघराने की तरह कपड़े पहनता हूँ, शेरवानियां वगैरह, 5 शेरवानियां मेरे पास में, और साफा बांधता हूँ स्पेशल, यानी राजघराने की छड़ी मार्केट से लाया हूँ खरीद के रखता हूँ। जूतों का बहुत शौक है, तो कई इत्र का बहुत बड़ा शौक है, इसलिए कई शौक पाल रखे हैं। भगवान से प्रार्थना है, मुझे, मैं मेरी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत बड़ी भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मेरी जिंदगी मुझे मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। और रत्नगर के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? जी, ढंग से आजकल प्रोग्रेस हो रही है रत्नगर में। पहले रत्नगर का आदमी प्राय बाहर जाता था नौकरी करने के लिए। मैं भी 1962 से 64 तक टीचर था, बाद में बाहर गया, पर आज मुझे ये लगता है कि आज का नवयुग कोई बाहर नहीं जाता, और बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ी सी रुझान जो है, जो बाहर में आदमी रह रहे हैं वो छोटा, आजकल जैसे गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है, छोटे छोटे व्यापार यहाँ किए जाए तो रत्नगर भविष्य बहुत सुंदर हो सकता है। यहाँ पे कॉलेज आ गई है, ये रावत परिवार बहुत खर्चा कर रहा है, इसके अलावा कई जैसे गाड़ोदिया परिवार है, बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, तो है। पर ऐसा है कि हमारे देख रहे हैं परिवारों में, रत्नगर में जितना प्रेम आपस में, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, एक दूसरे को देखते ही गले मिलने का मन करता है। सही है। ये मेरा विशेष अनुभव, विशेष अनुभव है कि रत्नगर में हर आदमी में प्रेम आज भी मिलने से है। मैं कल ही बैंक गया था तो शमसुद्दीन धोबी, जो मेरे साथ में कोई जमाने में पढ़ा करता था, वो मेरे से ऐसे मिला, 2 मिनट चिपटा हुआ रहा, क्योंकि हम लोग मजाक आपस में करते थे, एक्टिव पैसिव वॉइस मान सिंह जी पढ़ाते थे, तो मैं बोलता था धोबी ऑफ हुसैन जी, हुसैन जी ऑफ द धोबी, और वो बोलता दत्तू ऑफ लडानिया, लडानिया ऑफ द दत्तू। ये हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस थी। और आपने बहुत ही रोचक और पुरानी दुर्लभ बातें आपने बताई, विशेषकर गंगा सिंह जी को जनेऊ पहनाने की जो बात है, ये मेरे ख्याल गांव में किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है। और कर्णी सिंह जी आए उस समय का संस्मरण आपने बताया, साफा बांधने की दक्षता आपने कहाँ से हासिल की इसके बारे में आपने बताया, और रत्नगर आने वाले दिनों में प्रगति करेगा, रत्नों की नगरी, मेरा तो ये मानना है कि ये रत्नगर है वो रत्नों की नगरी है, मिनी जयपुर के नाम से ये प्रसिद्ध हो। मैं हमेशा बोलता हूँ रत्नगर रत्नों की खान, जिसमें रहते हम बलवान। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है। और आपने
अपना अमूल्य समय हमारे रत्नगर वासियों से रूबरू होने के लिए दिया। इसके लिए मैं मेरी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।